अगर आप फोर्टनाइट गेम खेलना चाहते हैं और सोच रहे हैं कि क्या ये गेम आपके कंप्यूटर में चलेगा या नहीं, और सोच रहे हैं इसे चलाने के लिए आपको कंप्यूटर में क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए और आपको कितने FPS तक मिल सकते हैं, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए, क्योंकि आज मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। मेरा नाम है निशान चौधरी, आप देख रहे हैं निशान भारत। लेट्स स्टार्ट। अगर हम फोर्टनाइट की बात करें तो फोर्टनाइट लगभग पबजी जैसा ही है, मगर इसमें आपको ग्राफिक्स थोड़े चेंज मिलते हैं, यानी पबजी में आपको रियलिस्टिक ग्राफिक मिलते हैं, मगर यहाँ पर आपको थोड़े कार्टूनिस्टिक ग्राफिक मिलते हैं। मगर ये गेम काफ़ी पॉपुलर है कि इसमें कई सारे अलग अलग इफेक्ट दिए गए हैं, इसलिए ये गेम काफ़ी उससे पबजी से लगभग अलग है, मगर इसमें उसका कॉन्सेप्ट लगभग सेम है। इसमें आपको सर्वाइव करना होता है जैसे पबजी में है, ठीक उसी तरह है, मगर ये काफ़ी अच्छा गेम है। बात करें इस गेम की रिक्वायरमेंट्स की, यानी कि आपके PC में ये गेम चलाने के लिए आपको किन किन रिक्वायरमेंट की जरूरत होगी। अगर आप इस गेम में 30 FPS तक लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको चाहिए होगा इंटेल कोर i3 प्रोसेसर जो कम से कम 3rd जनरेशन हो, 4GB रैम और जो कंप्यूटर के साथ आता है इंटीग्रेटेड ग्राफिक, उसमें ये गेम आसानी चल जाएगा और इसकी इन रिक्वायरमेंट के साथ आपको इसमें मिलेगी 30 FPS। अगर आप इसमें 60 FPS लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको चाहिए होगी GTX 660 ग्राफिक कार्ड, यानी कि आपको 4GB रैम, इंटेल कोर i5 प्रोसेसर और 660 ग्राफिक कार्ड अगर आपके कंप्यूटर में है तो आप इस गेम को डाउनलोड करने के बाद इसमें अगर गेम प्ले करते हैं तो आपको इसमें लगभग 60 FPS तक मिल जाते हैं। अगर बात करें आपको इसमें और ज़्यादा हाई ग्राफिक की, यानी कि आप इस गेम को आप 1080p से ज़्यादा ऊपर चलाना चाहते हैं तो इसमें आपके लिए किन किन रिक्वायरमेंट की जरूरत होगी। सबसे पहले बात करें आपको अगर इसमें 100 FPS से ऊपर आपको अगर FPS चाहिए तो आपको इसमें किन किन रिक्वायरमेंट की जरूरत होगी। सबसे पहले आपको चाहिए होगा इंटेल कोर i5 जो कम से कम 4th जनरेशन हो, और आपको 8GB की रैम और GTX 1050 ग्राफिक कार्ड। अगर आपके पास ये ग्राफिक कार्ड है और ये 8GB रैम और इंटेल कोर i5 प्रोसेसर है तो आप इस गेम में 100 FPS से ऊपर भी FPS ले सकते हैं, यानी कि इस गेम में अगर आप फुल HD में चलाते हैं या फिर HD में तो आप इस गेम को 100 FPS से ऊपर तक FPS ले सकते हैं। अगर आप इस गेम को 4K क्वालिटी में चलाते हैं तो आपको इसमें 1050 ग्राफिक के साथ इसमें आपको FPS मिलेंगे लगभग 40 से 50 FPS। बात करें अगर आप इस गेम को नॉर्मल PC में चलाते हैं तो आपको इसमें FPS अगर आप फुल HD में चलाते हैं तो कितने मिलेंगे, और 720p में। अगर आप 720p में इस गेम को चलाते हैं इंटेल कोर i3 प्रोसेसर के साथ और 4GB रैम के साथ तो इसमें आपको FPS मिलेंगे 30। अगर आप इसमें फुल HD में चलाते हैं तो इसमें आपको FPS मिलेंगे 25 से 20 के बीच में। और अगर हम गेम साइज की बात करें तो ये गेम डाउन करने के लिए आपको लगभग 4 से 5 GB की हार्ड डिस्क स्पेस की जरूरत होगी। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको पता चल चुका होगा कि फोर्टनाइट गेम प्ले करने के लिए आपको किन किन रिक्वायरमेंट की जरूरत होगी और किस हार्डवेयर के साथ आपको कितने FPS देखने को मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।